बॉलीवुड स्टार चांदनी रूप किरानी और 50 साल की उम्र में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा लेने वाली श्रीदेवी की मौत हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गई है। जब लोगों ने श्रीदेवी के मौत की खबर सुनी थी तो हर कोई हैरान रह गया था और किसी के भी आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे कि उन्होंने अपनी बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा और अपनी चांदनी को खो दिया है। लेकिन आज भी श्रीदेवी की मौत रहस्य में रही है, जिससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो कई बार सामने आई है और आज भी कई सवाल यूं ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी के साथ हुए उस रात के हादसे के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर श्रीदेवी की मौत थी या हत्या। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। 25 फरवरी को जब श्रीदेवी की मौत की खबर आई थी तब कहा गया था कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। इसके बाद सोमवार फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौत की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबना बताया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के अंश मिले हैं। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि शराब के नशे में श्रीदेवी अपना बैलेंस खोकर बाथटब में गिर गयी। इसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गयी। दावा किया गया कि श्रीदेवी की बॉडी पानी से भरे टब में पाई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने ये मामला आगे की कार्यवाही के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया। इसके बाद सरकारी वकील ने 22 घंटे की कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद मंगलवार करीब 2:30 बजे श्रीदेवी की बॉडी ले जाने की इजाजत दी। इसी के साथ आपको बता दें, श्रीदेवी की मौत शनिवार रात करीब 11:30 बजे जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के अपने रूम 2201 में हुई थी। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ भांजे मोहित मरवा की शादी में शामिल होने दुबई गई थी। शादी 20 तारीख की थी। परिवार के सभी लोग शादी के बाद भारत वापस लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी दुबई में रह गई थी। बताया गया कि वो अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने रुक गई थी और दुबई में उनकी बहन भी थी जिससे वो मिलना चाहती थी, इसलिए वो दुबई में रुक गई, जहां मौत के कुछ देर पहले बोनी कपूर अचानक भारत से दुबई पहुंचे। बोनी का कहना था कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहते थे और श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने ये बयान खुद दिया था कि शादी में शामिल होकर वो मुंबई लौट गए थे और 24 फरवरी को वो दोबारा दुबई लौटे। वे शाम करीब 5:30 बजे जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल गए। यही श्रीदेवी रुकी हुई थी। बोनी श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाने वाले थे। बोनी ने श्रीदेवी को जगाया और दोनों ने करीब 15 मिनट बात की। इसके बाद श्रीदेवी वॉशरूम गई। जब वे 15 मिनट तक नहीं लौटी तो बोनी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। बोनी ने देखा कि श्रीदेवी अचेत हालत में बाथटब में गिरी हुई थी। बोनी ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। उन्होंने करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी। बाथरूम में बेहोश होकर गिरने के बाद उन्हें दुबई के रशीद हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब श्रीदेवी को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर ले जाया गया, उससे पहले ही उनका निधन हो चुका था और दुबई की पुलिस ने श्रीदेवी के केस को भी एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया था। इसके बाद बॉडी को भारत लेकर आना था, लेकिन पार्थिव शरीर को भारत लाने में कई डॉक्यूमेंट्स वर्क थे, जिसके लिए बोनी कपूर ने शाहरुख खान से कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि शाहरुख खान की दुबई में काफी जान पहचान है और उनकी काफी अच्छी पोजिशन है, जिसके चलते उनकी बातचीत पर श्रीदेवी के डॉक्यूमेंट्स वर्क जल्दी हुए। यही नहीं बल्कि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लाने के लिए अनिल अंबानी के निजी विमान को भेजा गया। ये विमान 13 सीट वाला था। इससे पहले दुबई में भारतीय वाणिज्य दूत विपुल ने कहा, हम लोग उन्हें श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत भेजने के लिए दुबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ भारत में बताया गया था कि श्रीदेवी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई है और मुंबई लाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज भी नहीं मिले कि जो बात बोनी कपूर ने बताई वही बातें हर जगह सभी ने सुनी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया या किसी ने जानबूझकर दे दिया। बाथटब में पानी लबलबा कैसे भरा था? बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने की बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फोन क्यों किया? हालांकि दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत को हादसा बता रही थी। रात 2201 रूम में क्या हुआ, ये बात आज भी बोनी कपूर ही जानते हैं, जिसका किसी को भी नहीं पता। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे श्रीदेवी की मौत के इस रहस्यमय कहानी के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।